अरे ये क्या चीज है यार, और अरे ये क्या चीज, ओ अस्तगफुरुल्लाह, ओ क्या हुआ, ओए फिर अस्तगफुरुल्लाह फरुख भाई, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो हमें हिम्मत, ताकत और हौसला देता है। कुछ तो है वहाँ की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको फरूख भाई के बारे में बताना चाहूँगा कि फरूख भाई को 3 दिन से लगातार बुखार है और उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, तो इमरजेंसी में हमें निकलना पड़ गया। हमारे घर से तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर की दूरी पे ये घर वाकया है। कल शाम को हमें कॉल गई थी, उन्होंने वीडियो वगैरह हमें भेजी थी और सारा माजरा बताया था। ये मकान तामीर हो रहा है और इस मकान का जो मालिक है वो वज़ाइफ़ वगैरह कर रहा था यूट्यूब से देखकर और टिकटॉक और जो आजकल चल रही है वेबसाइट वहाँ से, वो इलम सीख रहा था। और उसमें जो है उसने जैसे ही शुरू किया उस इलम को पीछे देखें गाइस, अभी तो मैंने बात ही कम शुरू नहीं की तो ये हालात होने लगे हैं कि वो बंदा यूट्यूब से देख के एक इलम सीख रहा था, जैसे कि ये चिल्ले करना और जिन्नात को अपने हाथों में काबिज करना। तो उस इंसान ने काम शुरू किया है, पहले जहाँ पे रहता था उसके पास बहुत बड़ी ग्राउंड में खुली जगह थी और वहाँ पे काफ़ी साए वगैरह थे, तो वो वहाँ पे जाके रात को बैठता था, अमल करता था। जैसे ये मकान तामीर के नज़दीक आया तो वो यहाँ पर आके बैठने लग गया और ऐसा काम करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसे चीज़ें वाजह नज़र आने लग गई और एक रात को उसे चीज़ें वाजह नज़र आई उसके सामने जब आई तो वो बंदा मेंटल हो गया, उसका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया, वो उसका दिमाग माउफ हो गया और बिल्कुल जो है ना इस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा वकार भाई पागल हो जाता है। सही कह रहे हो, वो वैसे हो ये देख ऑन रिकॉर्ड कैमरा ये चीज़ें हिल रही हैं। खैर वो बंदा जब उसके घर वाले सुबह आए तो वो यहाँ पे बेहोश पड़ा था, उसे उठा के ले गए डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। पीर फकीर को दिखाया तो कोई कहते हैं इसके ऊपर चुड़ैल है, कोई कहते हैं साया है, कोई कहते हैं क्या है, कोई कहते हैं क्या है। तो सुबह से हम यहाँ पे पहुँचे और मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी,
तकरीबन 9 बजे के बाद, और अभी तक मैं उसके ऊपर फ्राई करता रहा हूँ और मुकम्मल ये निचोड़ निकला है कि जो चीज़ यहाँ पे है बार बार पे है बार बार। आबिद भाई कंटिन्यू करें यार। जी जी, जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है वो चीज़ यहाँ से निकलेगी तभी उस बंदे की जान छूटेगी। वो बंदा काफ़ी अजियत में है, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। हम दुआ करते हैं, मजीद आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। आज वकार भाई साथ हैं, रुक भाई नहीं है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो आप वकार भाई और राशिद भाई पैनिक नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये दुआ करते हैं। चल आगे चलते हैं। एक दफा ये कमरे रिसर्ट कर लें अंदर से। मैं देख सुन रहा हूँ। भाई देख के ध्यान से, क्योंकि आज हम तीनों बंदे हैं तो क्या सुना है आपने। ये देखे मकान बनाने का सामान भी यहीं पे पड़ा है। और देखिए कोई नहीं है, बिल्कुल खाली। गाइस अभी सीन ये है कि आते ही एक्टिविटी शुरू हो गई है, एक्टिंग शुरू हो गई है। अल्लाह माफ करे, काफ़ी यहाँ पे मामला खराब है। इस कमरे में देखना जैसे कोई चाबी या कोई इस तरह ऐसी बात है। वो फिर अभी तो मकान का नया बन चुका है लेकिन बनाने नहीं दे रहे। वो तो यही जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे जो चीज है ना, जब तक वो नहीं जाएंगी तो कभी आपको मसला नहीं सॉल्व होगा। यार ये अजीब सा रखे गए थे, ये लोहे की चीज है। बिल्कुल सामने, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाज़े रिकॉर्ड हुआ है भाई, लंबी हो गई, ये तो वाज़े रिकॉर्ड हुआ है भाई। अच्छा ये देखें, इसको खड़ा करके देखें, इसके ऊपर से नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसी बात है, ये दीवार से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन जब ये ऊपर था ना, ये इस दीवार से भी ऊपर था। ऐसी बात है,
अब बिल्कुल आपके सामने हमने दिखाई है बिल्कुल। नाजरीन अभी आप देख रहे हैं तो फुल लोग आबिद भाई बच के रहे। अब ये हमें मारने का चक्कर बना चुके हैं ये। देखो दिखा देते हैं फिर भी। रूप भाई रू चीज भी है ना। रूप भाई तो आज आया ही नहीं। हाँ सॉरी आबिद भाई। अच्छा एक बंदा ऐसा है ये थोड़ा सा दरवाजा खोल के दिखा दे अगर इजी हो सकता है उस साइड पे जो है। मैं जाता हूँ लेकिन मेरा ख्याल इधर काम हो रहा है और पत्थर रखे हुए आगे नहीं गिर नहीं खुल नहीं रहा। ईंटें वगैरह रखी हैं। हाँ ये कोई काम हो रहा है। चले रहने दे आगे ये रख दे। बस हमारा पाकिस्तान है ना यहाँ पे चोरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हर बंदा अपने हैं जो है ना सेफ रखता है। हाँ मैं दिखाता हूँ। ये बाथरूम में बन रहा है अभी। बिल्कुल आपने तो कुछ चीज नोट की है। बिल्कुल क्या देखा है? कोई चेहरा नजर आया मुझे। चेहरा नहीं था वो कोई चीज और थी। मुझे चेहरा नजर आ रहा था। अल्लाह खैर करेगा। दिखाया हूँ सब कुछ लेकिन प्रूफ आबिद भाई मुझे उधर कोई चेहरा नजर आया। मैंने इसको भी बोला इस साइड पे। अल्लाह अकबर। देख ले राशिद भाई मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। अबे भाई इधर देख ले राशिद भाई मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में। इधर भी हो गया मेरी तरफ भी हो गया। वो हो गया मेरी तरफ भी हो गया। जाना चाहिए बिल्कुल सामने। गाइस बिल्कुल आंखों के सामने यहाँ तो आबिद कोई भाई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। इतना वाज़े रिकॉर्ड हुआ है। अल्लाह क्या हुआ है? आपके पास रिकॉर्ड हुआ है? बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया यार। यहाँ खड़ी थी यहाँ खड़ी थी यहाँ ये मैंने हाथ लगा लगाया यहाँ खड़ी थी। हाँ ठीक है ठीक है। अबे भाई
अजीब सी कैफियत है, बिल्कुल वाज़ेह रिकॉर्ड हुआ ये, न पता चल रहा है हमें डर लग रहा है न कुछ, और अजीब सा फील हो रहा है बिल्कुल। आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ? अभी भाई ये देख लो मेरे बाल बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, ये देख लो, और मेरा बिल्कुल जिस्म कांप रहा है, बिल्कुल कांप रहा है जिस्म मेरा। डे कहते जी कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं साथ साथ पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ, वो पढ़ाई करने का नतीजा ये होता है कि वो चीज़ सामने आ जाती है, इसी रिलैक्स करें, जो चीज़ सामने आ चुकी है समझ आ गई है, कोई मसला नहीं है। इस कमरे में किसी ने पाँव पे मारा है मेरे। अच्छा आपके पाँव पे लगा है? हाँ इधर लगा है, बिल्कुल बच गए। हाँ बच तो गया। ये देखो ये मुंह हो रहा है, ये देखो अस्तगफुरुल्लाह यार क्या करते हो। क्या हुआ? हाँ वाइट वाइट सा दिखाता। अरे आबिद भाई ये देखो यार, अरे आबिद भाई ये देखो यार, बिल्कुल बिल्कुल इधर तो कोई नहीं है यार, इधर तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अल्लाह माफ करे यार। किसी ने थप्पड़ मारा मुझे, इन कामों में ये थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है यार, कोई इशू नहीं। बाल की और अजीब सी बदबू थी। ओए होए अस्तगफुरुल्लाह, हालात बहुत खराब हो चुके हैं यहाँ पे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कोई हाथ से हिला रहा है ऐसा लगता है, कोई हाथ से हिला रहा है ऐसा लगता है। आप इधर देखिए यार, कटे कटे की आवाज। आबिद भाई क्या हुआ? नल बहुत बेकार है बकार, नल एक जगह पे साकिन खड़ा है लेकिन आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसी क्या? बिल्कुल ऐसी बात, ऐसी बात है भाई। कहा कभी इस कमरे से आती, कभी इतने क्लोज कमरे हैं फिर भी आप भाई उसको देखो क्या हो गया है, क्या हुआ है? किसी ने थप्पड़ मारा है फिर मार लिया। कौन सा ये वाला मुंडा? ये अस्तगफुरुल्लाह, ये यहाँ पे थी जी।
वकार भाई ध्यान से, वकार नजर रखना यार, मुझे बार बार मसला हो रहा है। कुछ नहीं होता उससे, मतलब खैर करे यार। अच्छा अभी बिल्कुल खामोशी हो गई है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा घुटन है और क्या हुआ है, बहुत ज्यादा घुटन है और क्या हुआ है, क्या हुआ है? किसी ने मुझे उठाया यार, किसी ने मुझे उठाया, किसने यहाँ से उठाया कि मुझे यहाँ फेंका? ध्यान से देख के यार, अबे तो मुझे भी यहीं से किसी ने उठा के यहाँ फेंका यार। यार आपकी वीडियो के फर्स्ट टाइम है इसलिए ध्यान से देख के। बहुत बढ़िया चीज दी है, ईंट हिली है कुछ नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह देख के राशिद भाई, कुछ नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह देख के राशिद भाई, देख के ध्यान से राशिद भाई आराम से यार देख के। हमले तो हमले यार, ओए होए होए, अभी मैं गिरने वाला था, जैसे उसने मुझे उठाया है ना, अभी मैं गिरने वाला था। यार इतनी हवा, इतनी गर्मी और इतना ये गर्म माहौल मैंने आज तक नहीं देखा यार। यहाँ पे जो सिस्टम है ना, खड़ा नहीं हो पा रहा इंसान। सफुल्ला बच्चे की आवाज, बच्चे की आवाज। गाइस ये पढ़ाई करने का नतीजा होता है कि वो चीजें बिल्कुल सामने आ गई, बिल्कुल या अल्लाह खैर। हाबिद भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी अपनी हो रही है, अभी किसने मेरा नाम पुकारा है? आपका नाम लेकर पुकारा है उसने यार। हाँ मैंने सुना है, सुन लिया ना? सुना है अभी भाई, सुन लिया? और राशिद का नाम लेकर पुकारे, अस्तगफिरुल्लाह। आबिद भाई ओए फिर, ओए फिर दूसरी दफा नाम पुकारा है। यहाँ पास बहुत हो गए, पढ़ाई अभी जो है ना उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। करिए भाई करिए, वकार भाई गांव से टूल उठा के लाए जो है हमने। बात ऐसी है, बाहर जो कुछ मर्जी हो आपने नहीं जाना, आप दोनों ने ओके ओके, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, और जब तक मैं पढ़ रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आपने। ओके, आवाज़ें आती हैं, कोई चीज़ नज़र आती है, आपने खामोशी से रिकॉर्ड कर लेनी है, बाहर नहीं जाना। ठीक हो गया राशिद? ओके ओके ठीक हो गया।
आप एक साइड पे खड़े रहो, भाई मैंने क्या है? मुझे चेहरा उसने दिखाया अपना, अभी दिखाया उसने मुझे भी चेहरा। हाँ देखो किधर दिखाया, इसी जगह पे चेहरा मैंने भी देखा है, मैंने पढ़ाई कर रहा है, मैंने भी देखा है, मैंने इस साइड पे देखा है। मैं बाहर का विजिट कराता हूँ आप। जो चीज भी थी रिकॉर्ड हो गई, मैं बाद में बताता हूँ, दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ। अच्छा क्लियर, यहाँ भी क्लियर हुई थी यहाँ। आबिद को बुला रही है, आबिद को यार। फरूख भाई फरूख भाई यार फरूख भाई फरूख भाई फरूख नहीं है भाई, ये वो चीजें दिखा रहा है। कहाँ है फरूख? फरूख नहीं है भाई, फरूख नहीं है। आपने देखा? मैंने देखा है फरूख के चेहरे की तरफ आ रहा था, लेकिन वो फरूख नहीं है, वो कोई और था। आपको मना कर रहा हूँ ना यार, वो फारूक नहीं है यार, मना कर रहा हूँ आपको, मान लिया करो किसी की बात यार। हामिद भाई को बताते हैं। आपको कैसे पता यार फारूक नहीं था? मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो फारूक नहीं था, वो चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल सामने मेरे पीछे खड़ा था। आते कुछ पढ़ दो, आते कुछ पढ़ दो। ग्रेट आइट में पढ़ो। अच्छा भाई जी,
जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी वो अल्लाह के हुक्म से आज रात को यहाँ से चली जाएंगी। सुबह फजर की नमाज के बाद वो बंदा भी ठीक हो जाएगा और ये जगह भी इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो मेरी तबीयत आप काफ़ी भारी हो चुकी है राशिद भाई। अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सांस लेना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। तो अभी मैं अपने व्यूअर को इतना ही कहूँगा कि गाइस हमने अपनी जान की बाजी लगा के ये जगह को क्लियर किया है और अभी भाई चले चलते अच्छा गाइस, मैं वीडियो के शुरू में जो आपको बात बताई थी कि वो बंदा यूट्यूब से देख के और ये सारे मामला कर रहा था और उसको अभी देखें कितनी तकलीफ में है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस ये काम आपने नहीं करना, किसी ने भी नहीं करना, तब तक नहीं करना जब तक आपकी कमर के पीछे आपके पीछे किसी पीर फकीर का हाथ ना हो। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अभी मेरे पास जितने मकरात हैं हज़ारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है, लेकिन ये मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है कि मैं उनको कैसे पाल रहा हूँ और किस तरीके से पाल रहा हूँ। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि गाइस कोई भी काम करना है तो एक दफ़ा किसी से मशवरा ले लीजिएगा और हमारा रबता नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर भी है, स्क्रीन पे भी मैं चला दूंगा जी, स्क्रीन पे भी चल जाएगा, और हमसे मशवरा कर लीजिए, हमसे मशवरा नहीं करते तो किसी और से पूछ लिया करें। मेरा नंबर भी है और फरूख भाई का भी नंबर है, राशिद भाई का भी नंबर है, तो किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे नहीं पूछना चाहते तो अपने इलाके में, आपके इलाके में कोई पीर फकीर होगा उससे पूछ के अगर आपने ये काम करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जिगरा चाहिए, आपको हिम्मत हौसला चाहिए। तो मज़ीद मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, इजाज़त चाहता हूँ आपसे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें क्योंकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, बाकी हम इजाज़त चाहते हैं अल्लाह ने के मान। Gana sotu.